जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल का दिन हमारे इंडस्ट्री के लिए, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि दो बड़ी मूवीज एक साथ रिलीज हो रही थी। पहली थी विक्रम वेदा और दूसरी थी PS1। दोनों ही मूवीज अपनी अपनी जगह पर काफी अच्छी मूवीज, एक मूवी जहां पर रीमेक है तो दूसरी मूवी बिल्कुल हमारे भारतीय इतिहास को प्रेजेंट करती हुई बनाई गई है, जिसमें ऐश्वर्या राय और चिन्ना विक्रम जैसे लोग दिखाई देने वाले हैं। अब देखिए, विक्रम वेदा अपनी जगह पर ठीक इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने एक तो रीमेक बनाई जो कि काफी घटिया काम है, लेकिन रीमेक बनाने में इन लोगों ने एक जो अच्छा काम ये किया है वो ये किया कि भाई थोड़ा बहुत उसको इधर उधर करके अच्छा बनाने की कोशिश कर दी। लेकिन अब देखिए, सारे सवाल जवाब खड़े हो जाते हैं एक जगह पर आकर जब बात आती है कलेक्शन की। देखिए, आप मूवी कितनी ही अच्छी बना लें, अगर हम दोनों इटली मान लें कि आमिर खान ने बहुत अच्छी मूवी बनाई है, उसके बाद भी हमको इस चीज की तरफ से ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाएगा कि भाई उन्होंने जो मूवी अच्छी बनाई है, क्या वाकई में उस मूवी ने उतना अच्छा प्रदर्शन भी किया। भाई मेरा मतलब यह है कि अगर मैंने खाने के लिए कोई सब्जी बहुत अच्छी बनाई है तो फिर उसको खत्म भी तो जाना चाहिए ना। अगर दर्शक मतलब जो लोग खाने के लिए आ रहे हैं पार्टी में, वो लोग सब्जी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों को वो चीज पसंद नहीं आ रही। भले ही वो मुझे अच्छी लग रही, लेकिन पब्लिक को वो चीज पसंद नहीं आ रही। लाल सिंह चड्ढा के साथ वही हुआ, भले उस मूवी को कितनी अच्छी अच्छी तारीफें मिल गई लोगों से, लेकिन भैया पब्लिक ने सीधे सीधे तौर पर नकार दिए। विक्रम वेदा के सामने भी कहीं ना कहीं वही समस्या खड़ी हुई दिख रही है। 175 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बजट में ये मूवी बनी हुई है। पहले दिन का कलेक्शन इस मूवी का 10% भी निकल के सामने नहीं आया। सबसे बड़ा सरदर्द इस मूवी का यही है, वो भी तब जबकि बात की जा रही थी कि भाई एडवांस बुकिंग ऐसी हो रही है, एडवांस बुकिंग ऐसी हो रही है, और उसके ठीक सामने PS1 जिसका कि बजट भी काफी ज्यादा है, उस मूवी ने अपना प्रदर्शन काफी बेहतर किया। देखिए, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि दोनों ही मूवीज अपने अपनी जगह पर काफी दूर है। 175 करोड़ रुपए और 500 करोड़ का बजट काफी ज्यादा मायने रखता है दोनों अंतर की अगर हम बात करें तो हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज की अगर हम बात करें ना, तो PS1 ने जहां अपनी बजट का करीब 12-15% रिकवर कर लिया पहले दिन, वहीं पर हमारी जो विक्रम वेदा है वो संघर्ष करती हुई नजर आ रही 10% के भी नीचे। विस्तार में जरा जान लेते हैं दोनों मूवीज के कलेक्शन की क्या कैसी क्या रिपोर्ट रही है, उसके बाद और इस मूवी के बारे में बात करेंगे। इस साल की एक बहुत बड़ी और मच अवेटेड फिल्मों में से एक विक्रम वेदा आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टार विक्रम वेदा साउथ की इसी नाम की फिल्म का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म से बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन को बड़े पर्दे पर वापसी करते देखने के लिए दर्शक काफी समय से इंतजार भी कर रहे थे। ऐसे में अब इस मच अवेटेड मूवी के पहले दिन की कमाई के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, जो कि उम्मीद के हिसाब से काफी कम है। चलिए जरा जान लेते हैं विक्रम वेदा के पहले दिन की कमाई कैसी क्या रही। शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से विक्रम वेदा ने अपने ओपनिंग डे पर औसत कमाई करते हुए कुल 11.5 करोड़ रुपए का मात्र कलेक्शन किया है। हालांकि इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत फेरबदल जरूर हो सकता है, लेकिन फिर भी फिल्म के बज के हिसाब से कलेक्शन बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। हालांकि फिल्म को रिलीज होते ही मिले पॉजिटिव सोशल मीडिया रिएक्शन को देखकर लग रहा था कि विक्रम वेदा पहले दिन टिकट खिड़की पर गजब की कमाई करेगी। हालांकि आने वाले दिनों में फिल्म का क्या हाल होगा ये समय ही बताएगा। 190 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनी फिल्म विक्रम वेदा ने पहले दिन इस तरह का कलेक्शन मतलब जो किया है वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा। फिल्म पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से रिलीज की गई थी। सैफ और ऋतिक की जुगलबंदी को दर्शकों के लिए पूरी 4007 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इसके बावजूद पुष्कर गायत्री निर्देशित यह फिल्म टिकट खिड़की पर कमाल नहीं दिखा पाई। इसके कलेक्शन को देखकर लोगों का रीमेक की तरफ घटता इंटरेस्ट भी माना जा सकता है। दरअसल यही कहानी साउथ की फिल्म में भी लोग हिंदी में देख चुके हैं, जो कि MX प्लेयर पर फ्री में अवेलेबल भी है। देखिए, कम हुए कलेक्शन की एक बड़ी वजह बॉक्स ऑफिस पर इसकी मणिरत्नम की फिल्म PS1 के साथ भिड़ंत को भी माना जा रहा है। इसके साथ ही फिल्म को नॉर्थ के समावेश में ढालने के कारण पुष्कर गायत्री ने इसमें कई सारी कमजोर कड़ियां भी छोड़ दी, जो कि ऋतिक जैसे सुपरस्टार के पहली बार खलनायक बनके की गई दमदार एक्टिंग पर भारी पड़ती नजर आती है। गौरतलब है कि विक्रम वेदा साउथ की इसी के नाम से बनी फिल्म की रीमेक है, जिसमें विजय सेतुपति और आर माधव नजर आए थे। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के अलावा राधिका आप्टे, रोहित शरफ, शरीफ हाशमा, योगिता बिहानी अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। अब जरा हम आगे बढ़े और बात करें PS1 के बारे में, तो देखिए भैया, निर्देशक मणिरत्नम की मच अवेटेड मेगा बजट मैग्नम ओपस मूवी पेनियन सिल्वन 30 सितंबर को मतलब कि कल रिलीज हो चुकी। इस मल्टी स्टार फिल्म का दर्शक भी सब्री से इंतजार कर रहे थे और माना जा रहा था कि यह फिल्म अपने कलेक्शन से नए रिकॉर्ड बनाएगी। फिलहाल जैसे कि उम्मीद थी, रिलीज के पहले दिन का कलेक्शन तो कुछ वैसा ही निकल कर सामने आया है। पहले दिन की शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं जो कि बेहद ही शानदार है। ऐश्वर्या राय बच्चन, चियान विक्रम, कीर्ति, सुत्रशा कृष्णन, जयराम रवि, ऐश्वर्या लक्ष्मी, शोभा धुमिवाल स्टार फिल्म PS1 ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इस ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म को समीक्षकों से लेकर सेलिब्रिटीज और दर्शकों से भी शानदार रिव्यू मिला है, जिसका कि सुखद परिणाम बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के रूप में देखने को मिल रहा है। लाइका और मद्रास प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म पेनियन सिल्वन को लेकर अनुमान लगाया जा रहा था कि यह फिल्म पहले दिन करीब 25-30 करोड़ रुपए कलेक्शन करके निकाल सकती है। हालांकि इन अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए पेनियन सिल्वन ने ओपनिंग डे पर ही बेहतरीन कलेक्शन किया है।
दिलचस्प बात है कि शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत की अगर हम बात करें, जी हाँ पूरे भारत की अगर हम बात करें सभी लैंग्वेजेस में, तो इस मूवी ने करीब करीब 70 से 75 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन किया है। अब देखिए इसमें तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो 22 से 25 करोड़ रुपए कलेक्शन वहां से, कर्नाटका की बात करें तो 5 से 6 करोड़ वहां से, केरला से 2 से 3 करोड़, हिंदी से 1.5 से 2 करोड़, पूरे भारत भर से 35 से 40 करोड़, ओवरसीज की बात करें तो यहाँ से करीब 35 करोड़, ऐसे में वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन निकल कर सामने आया है वो करीब 75 करोड़ रुपए का है। अब अगर हम बात करें कि जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग थी तो वही है, वो अभी भी केजीएफ 2 बनी हुई है। पेंडियन सिल्वन की अगर हम बात करें तो भैया पेंडियन सिल्वन को ओवरऑल बजट इसका 500 करोड़ है फॉर बोथ द पार्ट्स, मतलब इफेक्टिवली इस मूवी के बजट की हम बात करें तो 250 करोड़ का हम इसका बजट मान सकते हैं। और पेंडियन सिल्वन ने अपने प्री रिलीज बिजनेस में ही, मतलब जो भी कुछ बिजनेस होता है कि किसको बेचा उसको कुल मिलाकर 130 करोड़ का बिजनेस जो है इसने टोटल कर लिया है। अगर मैं आपको और बताऊं तो डिजिटल राइट्स जो है वो अमेजन प्राइम को बेचे गए हैं दोनों ही पार्ट्स के 125 करोड़ में, और सैटेलाइट राइट्स बेचे गए सन टीवी को अभी हाल फिलहाल के लिए करीब करीब 25 करोड़ में। तो 125 प्लस 25 मतलब डिजिटल राइट्स जो है वही करीब अभी तक इसके 150 करोड़ में बिक चुके हैं। और इसके साथ ही जो कलेक्शन निकल कर सामने आया, जैसे मैंने बताया 75 करोड़ का कलेक्शन आया, तो 200 मतलब 225 करोड़, ऑलमोस्ट 50% का कलेक्शन तो जो है वो उसने पहले दिन ही निकाल लिया है। तो ऐसे में अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा भैया कि ये मूवी जो है अच्छा खासा कलेक्शन करने का मादा रखती है, जबकि इसने अच्छा खासा कलेक्शन ऑलरेडी कर लिया है। तो अब देखना ये होगा कि ये बॉक्स ऑफिस पर, जो कि इसके पहले पार्ट का बजट बताया जा रहा है 250 से 300 करोड़, अगर ये बॉक्स ऑफिस पर इतना कलेक्शन कर लेती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी को हम लोग एक एवरेज हिट के रूप में कह सकते हैं। और वहीं अगर इस मूवी ने 350 से 400 करोड़ का बिजनेस कर लिया है तो इसको आप श्योर शॉट हिट भी बोल सकते हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड के प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी लंबे समय से जो सूखा चला आ रहा है वो एक बार फिर विक्रम वेदा के साथ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ब्रह्मास्त्र ने कुछ सांसें जरूर भरी थी, लेकिन उसके बाद भी वो ब्रेक इवन पॉइंट पर जाकर कहीं ना कहीं ठहरता हुआ ही नजर आ रही है। मतलब रिलीज के पहले दिन से ही काफी कुछ चर्चाओं में बनी रही है। अर्ण मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र की रफ्तार पर अब ब्रेक पूरी तरह से लग चुका है। पहले दिन से ही कमाई कर रही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब पस्त होती दिख रही है। बीते कुछ दिनों से फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इसी बीच अब फिल्म के 22वें दिन हुए कारोबार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं और फिल्म ने अपनी रिलीज के 3rd दिन मतलब कि शुक्रवार को अब तक की सबसे कम कमाई करी है। ब्रह्मास्त्र ने बीते दिन महज 70 लाख रुपए की कमाई करी है। वहीं फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक देश भर में करीब 270-275 करोड़ रुपए कमा लिए, जो कि फिल्म के ओवरऑल कलेक्शन की अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड के तो उसके हिसाब से चलिए एक बार ठीक मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूवी ने दुनिया भर में अपनी लागत के हिसाब से कुछ कुछ रकम उतनी ही निकाल ली, लेकिन अब ये नहीं निकाल पाएगी तो ये ब्रेक इवन पॉइंट टच कर गई है। अब बात बड़ी सवाल की ये आ रही है कि जब मूवी ने पहले दिन ही इतना कलेक्शन किया है तो समझना ये पड़ेगा कि भाई क्या ये मूवी आने वाले दिनों में अपना और कलेक्शन बढ़ाएगी जो कि दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में जो इसका सेकंड पार्ट बनने वाला था उसका क्या होगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।